YouTube चैनल में मैं वीडियो डालना कभी भी बंद कर सकता हूँ। अब इसका मेन रीजन है कि भैया एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है और इसे आपको सीखने को मिलेगा कि आपको पहले से तैयार रहना ये सब चीजों के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास एक माइक है, बोया का माइक है, ये देखो ये जो दिख रहा है बोया का माइक है। अब ये बोया का माइक कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले खराब हो चुका था। अब खराब होने के बाद मैंने बोला क्या करूं यार, 2000 रुपए 700 रुपए का तो मैं माइक ले नहीं सकता, और आज भी वैसी कंडीशन है कि 700-800 रुपए का माइक नहीं ले सकता। तो मैंने क्या किया, एक जगह गया एक भैया के पास, भैया बोला थोड़ा सा देख लो ना, लेकिन माइक सुधारने के लिए कोई भी तैयार नहीं था वो, ठीक है बोया का माइक था, कोई भी सुधारने के लिए तैयार नहीं था। मैं कैसे भी ना कैसी कम से कम 10-15 दुकान घूमा, तब जाके एक दुकान में मिला। मैंने बोला भैया मेरे रिक्स आप सिर्फ खोल के ये वायर को ज्वाइन कर दो, बस इतना कर दो। अब मैंने उसे ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद पहले जैसे माइक काम करता था ये वैसी नहीं करता, लेकिन अभी ठीक ठाक ही कर लेता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है, ये जो इसका कंडेंसर है ये वायर जॉइंट है, अगर ये गलती से निकल गया ना पूरा माइक खराब हो जाएगा। 2000 रुपए का माइक है ये, बोया का माइक है। अब ये बोया का माइक जैसे खराब होता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे वीडियो कोई ही नहीं देखेगा, अदरवाइज मैं ऐसी एडिट करके डालूंगा तो कोई नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा, सबसे मेन चीज होती है भैया माइक की क्लैरिटी। अब मैं देखो वॉइस ओवर करके तो डाल सकता हूँ, मोबाइल से भी अच्छी खासी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर माइक की जरूरत तो भी पड़ती है। विदाउट माइक के आज के टाइम में यूट्यूब वीडियो में कोई वीडियो नहीं देखता यार, मेरे को इतना पता है। तो यहाँ पर ये कारण है मेरा यूट्यूब वीडियो नहीं आने का आगे चल के फ्यूचर में। अभी मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, मैं काम पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं वीडियो कंटिन्यू डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है यहां से मैं जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा, जितने ज्यादा वीडियो अपलोड करूंगा, यहां से मेरा एक ग्रोइंग पॉइंट आएगा जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बहुत कुछ बढ़ेगा। तो इस कारण मेरा यूट्यूब कर सकता है। अब इसके बाद आपके मन में तो सवाल होगा कि भैया कर्जा लेके कर सकता है, ऑलरेडी मेरे ऊपर कर्जा है भैया, मोबाइल लिया हूं एक, ठीक है वो जिससे मैं शूट कर रहा हूं ना ये मोबाइल है, सिर्फ ये मोबाइल वीडियो बनाने के काम का है मेरे और बाकी किसी काम का नहीं। और ये जो दूसरा है ये इससे एडिट करता हूं, इसे सब कुछ साउंड इफेक्ट वगैरह ये भी सब है, लेकिन ये भी मोबाइल की कंडीशन ऐसी है कि ये फूटा हुआ है मोबाइल, ठीक है ये कभी भी दम तोड़ सकता है क्योंकि इसके ऊपर का डिस्प्ले खराब हो गया, इसका कैमरा खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया सिर्फ एडिटिंग के काम के लिए। अब यहाँ पर मेरा दूसरे पास एडवांटेज क्या है कि भैया मेरे पास ऑलरेडी कर्ज है, तो भैया मेरे किसी से माइक यानी पैसे उधार लेके ले भी नहीं सकता मैं, तो ऐसी सिस्टम है। तो ऐसी चीजों के लिए आपको क्या करना है, पहले से तैयारी करके रखना है। देखो एक या दो मोबाइल आपके पास रहना ही चाहिए, एक मोबाइल खराब भी हो तो आपका जो YouTube वीडियो अपलोड करना हो बंद नहीं हो सकता, और साथ ही दो बोया का माइक। देखो बोया के माइक में तभी पैसा खर्च करो जब आप अच्छे से बोल लेते हो, अच्छे से वीडियो बना लेते हो, अदरवाइज खर्च करने की जरूरत नहीं। पहले सीख लो, पहले मैंने सीखा, अब मैंने पहले सीखा नहीं, मैंने पहले डायरेक्ट माइक लिया और स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना, तो ये कंडीशन है। तो इस कारण मेरी वीडियो नहीं आ सकती है फ्यूचर में, लेकिन भगवान ने करा तो जल्दी से जल्दी मेरा फर्स्ट पेमेंट आ जाए। फर्स्ट पेमेंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कितना है। देखो मोटिवेट करना चाहता था मैं आपको, एक प्रिकॉशन क्या रखना है यूट्यूब में जब काम करते हैं, तो मैंने ये सिंपल से बताने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पर मेरे को पता है मैं कर लूँगा, तो ऐसे वीडियो के लिए सिंपली लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना।